हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़े हुए वर्कशीट्स को सॉल्व करिए और मैंने एडिटिंग का एक पैसेज दिया है उसमें, तो उसे भी आप लोग गौर से सुनिए और उसका जो करेक्ट वर्शन है आप लोग लिख के फिर उसको रीड करके प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश करिए कि आपके अतराफ जो भी काम हो रहे हो एट प्रेजेंट उसे जो है आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए ताकि आपके लैंग्वेज एक्सप्रेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाए। और ध्यान रखिए, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर दिस इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज प्लेलिस्ट विद एवरीवन, क्योंकि ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और दूसरे लैंग्वेज टीचर्स के लिए भी है या फिर होम मेकर्स के लिए भी है। एंड सी दैट यू शेयर इट विद एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा फिरदौस एंड यू आर वॉचिंग टीचर्स वर्ल्ड। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं टेंसेस पार्ट टू। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज के इस वीडियो में आप समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जहाँ पे वर्ब जो है, जो एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, अभी जो एक्शन हो रहा। और इसका जो फॉर्मूला है ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम और आर लगेंगे, फिर वर्ब को आईएनजी लगेगा एंड देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को एक बार रिवाइज करना है, फिर देखना है कि बी फॉर्म्स जो प्रेजेंट में यूज होते हैं वो एम, इज और आर है। एम जो है आई के साथ लगेगा, ही शी के साथ इज लगेगा और यू वी दे के साथ आर लगेगा। तो ये रूल जब क्लियर हो जाए तो आप इंशाल्लाह बात करने में कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रिवाइज करना है बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वो भी प्रेजेंट में, दैट इज एम, आर। व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? कब हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं? For an action which is going on at the time when the speaker is speaking, जैसे मैंने कहा जब speaker बात कर रहे हैं कोई, like जब फिलहाल, okay, अब जो काम हो रहा है, अब जो काम हो रहा है उसको express करने के लिए हम present continuous tense इस्तेमाल करते हैं। Second category ये है कि for a temporary action which is going on, जैसे मैंने बताया कि अब मैं हाल हाल में या अभी मैं फिलहाल जो है कोई किताब पढ़ रही हूँ या मैंने जिम ज्वाइन किया या कुकिंग क्लासेस चल रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, तो ऐसे उसमें जो टेम्पररी एक्शन जो हो रहा है वो बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ दिया आई एम रीडिंग गालिब्स पोएट्री, आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू जिम। इसका मतलब ये नहीं कि अभी इसी वक्त आप जिम जा रहे हो, लेकिन उस इस दौरान, लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एट एग्जिस्टिंग जो है आप वो काम कर रहे हैं। फॉर एन एक्शन विच इज फिक्स टू हैपन एट अ गिवन पॉइंट, कोई अपॉइंटमेंट हो या कोई चीज़ जो होने की हो, जो फिक्स्ड हो, उसको बयान करने के लिए आप बोलेंगे, जैसे शी इज गोइंग फॉर डिनर टुमारो, कोई ऑलरेडी फिक्स्ड है कोई काम तो आप बता रहे हैं शी इज गोइंग फॉर डिनर टुमारो। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जब टुमारो है तो फिर फ्यूचर आ गया, देन इफ यू आर यूजिंग विल बी, शी विल बी गोइंग, हो सकता है उन्हों कल जाएंगे, ठीक है, शी विल बी कल जाएंगे, वो हो गया फ्यूचर टेंस। मगर अगर आप बोलेंगे शी इज गोइंग तो वो अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होता है। ये सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हुए। मैं मार्केट जा रही हूँ, वो लड़का खेल रहा है, वो लड़की सड़क पर चल रही है, मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, कल मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। वीडियो को पॉज करिए और आप अपने आंसर्स लिखिए, उसके बाद यू कैन चेक योर आंसर्स हियर। I am going to the market.
He is playing in the garden. She is walking on the road. I am going to the gym nowadays. I am going out with my friends tomorrow. ये प्रैक्टिस करिएगा। जैसे वर्ब को हमने ब्रैकेट में दिया है, आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी डैश द केक। अक्रम मैथमेटिक्स इन हिज स्कूल। टीच को इस्तेमाल करना है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। द फिशरमैन कैच को इस्तेमाल करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। द बर्ड फ्लाई को इस्तेमाल करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। सलमा ड्रिंक को इस्तेमाल करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। चलिए चलते हैं, आपके आंसर्स को चेक कर लीजिए। शी इज बेकिंग द केक। अक्रम इज टीचिंग मैथमेटिक्स इन हिज स्कूल। द फिशरमैन इज कैचिंग द फिश। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर। सलमा इज ड्रिंकिंग वाटर। आर यू कुकिंग? यस यू आर। नो यू आर नॉट। इज ही कुकिंग? यस ही इज। नो ही इज नॉट। इज शी कुकिंग? यस शी इज। नो शी इज नॉट। इज इट कुकिंग? यस इट इज। नो इट इज नॉट। Are we cooking? Yes, we are. No, we are not. Are they cooking? Yes, they are. No, they are not. इस तरीके से आप, ये बस एक example cooking का है, आप verbs को change करके लिखिए। चलते हैं next slide पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक passage। इसमें आपको words, इसको जो है present continuous को सही करना है यहाँ पे और एडिट करना है। पैसेज को करेक्ट करने के बाद आपको रीड करना है, ठीक है? नाउ एट होम ऑन सैटरडे। टुडे इज सैटरडे एंड माय फैमिली एंड आई आर रिलैक्सिंग एट होम। जैसे आपने देखा आर मिसिंग है तो यहाँ पे आर लगा दिया गया है। आप लोग आगे चल के देखिए। माय फादर यूजुअली वॉशेस हिज कार ऑन वीकडेज बट He, यहाँ पे कुछ मिसिंग है जी, बट ही इज नॉट वॉशिंग द कार नाउ। नाउ ही इज जी रीडिंग अ बुक अबाउट कार्स। ये मिस्टेक्स को आप सही कर लीजिए। माई मदर यूजुअली बेक्स कुकीज ऑन वीकडेज बट She something is missing. Yes, is not baking now. Now she is watching a cooking show on TV. My older sister usually does her homework on weekdays, but she isn't doing her homework now. Now she is painting some pictures. My little brother usually helps my father wash the car, but he is not helping my father now. Now He is playing with his toys. And me? Usually I clean the yard, but I am not cleaning the yard now. Now I tell you, I am telling you about my family. How about you? What are you doing now? इस स्लाइड को आप लोग पॉज करिए और पूरा पैराग्राफ एक बार
सही से आप लोग लिखिए जैसे मैंने रिकॉर्ड किया अभी। आप लिखने के बाद एक दो बार आप अपने आप से उसको रीड करिए, तो जहाँ जहाँ इज और आई एन जी और आर लगना है आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड राइट। आप अतराफ जो अब फिलहाल जहां पर भी हो, आप अपने अतराफ देखिए और आपके फैमिली मेंबर्स या जो भी आपके अतराफ हो रहा है वो सेंटेंसेस को अब रिफ्लेक्ट करके आप वो सेंटेंसेस को लिखिएगा। ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड राइट। काफी सारे एक्शंस हो रहे होते हैं अतराफ, एक नजर देखिए, शायद कोई पका रहा हो, शायद कोई जूस पी रहा हो, या फिर ड्राइव कर रहा हो, या फिर जो भी हो कुछ बेच रहा हो, तो आप अपने अतराफ देखिए, चाहे घर में हो या मार्केट प्लेस में, और मिनिमम 10 से 15 सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाइए कंटिन्यूअस फॉर्म में। ऐसे वर्ब्स जिसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, एंड यहाँ पे जो है जो थिंकिंग और फीलिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगाते, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म में ही लेते। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे वर्ब्स है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, ओके, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग एंड अदर्स, जैसे बिलीव, डिसलाइक, आई एम डिसलाइकिंग यू नहीं बोलेंगे, आई डिसलाइक यू बोलेंगे, ठीक है। आई एम रिकॉग्नाइजिंग योर नंबर नहीं बोलेंगे, आई रिकॉग्नाइज यू बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके Similarly, appear. You are appearing to be dull, नहीं बोलेंगे. You appear to be dull. You seem to be dull. You sound to be dull. Okay? The food is tasting bad, नहीं बोलेंगे. So you will say it tastes, जो भी उसका taste हो. तो you use simple present in. Example, the wrong usage is I am understanding you now. ऐसा नहीं. I understand you now, but in a better way. The grapes are tasting sour. It is wrong. Okay? The grapes taste sour. तो इसे हमको याद करना है थिंकिंग और फीलिंग में। चलिए, इनफ ऑफ प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और लैंग्वेज एक्सप्रेशन में यूज कीजिएगा, एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, डोंट फॉरगेट टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट व्हाइल यू लर्न अ लैंग्वेज। हैप्पी लर्निंग, जज़ाकअल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।